बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आई बेट आपको किसी ने भी ये पॉइंट नहीं बताया होगा, स्पेशली इंडियन फैमिलीज में तो ये पॉइंट डिस्कस ही नहीं होता। हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक टॉडलर को, एक साल से बड़े बच्चे को मिल्क कैसे दिया जाए, एनिमल मिल्क कैसे दिया जाए। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाले कुछ नहीं डाले, कौन से कप में दें, कैसे पिलाए कैसे नहीं पिलाए, तो वो सारे के सारे मैं क्वेश्चंस आज आपके लिए आंसर करने वाली हूँ। एंड मैं दो बच्चों की माँ हूँ। मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ अपनी रिसर्च जो मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए की है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपनी फैमिली लाइफ भी शेयर करती हूँ एज व्लॉग्स, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी एक न्यू वीडियो आए। अगर आप एनिमल मिल्क स्टार्ट करने वाले हैं तो मेक श्योर आपका बच्चा एक साल से बड़ा हो। एक साल से छोटे बच्चे को एनिमल मिल्क क्यों नहीं देते हैं उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा। ना अगर आपका एक साल से बड़ा बच्चा है तो उसके लिए एनिमल मिल्क आपको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। नंबर वन, मिल्क में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करिए, जो आप पीते हैं आपके परिवार वाले पीते हैं वही मिल्क बच्चे को दीजिए। प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप फुल क्रीम दूध दीजिए बच्चे को, बट अगर आप टोन पीते हो तो वो भी ठीक है, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फैट्स नहीं होते, थोड़े बहुत उसमें भी होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। दूध में ना पानी मिलाना है, ना चीनी मिलानी है, ना बॉर्नविटा मिलाना है, ना हॉर्लिक्स मिलाना है, प्लेन दूध देना है बच्चे को। क्यों? क्योंकि बच्चे को ना शुगर का टेस्ट पता है ना हॉर्लिक्स का टेस्ट पता है, तो अगर आप बच्चे को प्लेन मिल्क दोगे और उसी की आदत डालोगे तो उसे लाइफ लॉन्ग वही आदत पड़ जाएगी। मेरा 5 साल का बेटा है, आज तक आई थिंक विंटर्स में 2 बार मैंने हॉट चॉकलेट उसे मिल्क दिया है, लाइफ में 3 या 4 बार मुश्किल से चीनी वाला दूध उसने पिया है, वरना अदरवाइज वो प्लेन दूध ही पीता है। पिछले 4 साल से, वो जब 1 ईयर का था मैंने स्टार्ट किया, 4 साल से वो प्लेन मिल्क पीता है, आराम से पीता है। तो बच्चे पीते हैं, मेरी 1 साल की बेटी है वो भी प्लेन मिल्क पीती है। तो अगर आप जो आदत डालोगे वही बच्चे की आदत पड़ जाएगी, एक्स्ट्रा शुगर डालने की कोई जरूरत नहीं। मिल्क अगर आप वैसे पियो तो वो ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। पॉइंट नंबर 2, देना कैसे है। आप सिपी कप में या फिर ओपन ग्लास में बच्चे को मिल्क दीजिए। आप बॉटल्स अवॉइड कीजिए, जो निपल वाली बॉटल्स होती हैं। वैसे भी कहते हैं 1 साल से बड़े बच्चों को निपल वाली बॉटल नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनके दांत खराब होते हैं, तो आप स्टार्ट ही करिए वो आदत एक सिप्पी कप से या एक ओपन कप से। एंड बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा गिराएंगे, थोड़ा नहीं पियेंगे, बट वो एडजस्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं। नंबर 3, देना कब है दूध, किस टाइम पे दे दूध, सुबह सुबह दे, शाम को दे, खाने से पहले दे, खाने के बाद दे। तो आपको मिल्क स्नैक टाइम पे देना है, मतलब जब बच्चे ने खाना खाया है, सपोज ब्रेकफास्ट किया है, उसके 2 घंटे बाद देना है, या फिर सुबह उठते ही अगर आपके बच्चे को तेज भूख लगती है तो उठने के 1 घंटे बाद दीजिए। ऑल्दो आई वुड प्रेफर, जो मैं करती हूँ वो ये है, मैं बच्चे के उठने के 1 घंटे बाद उनको ब्रेकफास्ट देती हूँ, या 1 या 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट देती हूँ, फिर 2 घंटे बाद जो स्नैक टाइम होता है उस पर मिल्क ऑफर करती हूँ, ताकि जो खाना, ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ दूध पीता रहे और खाना नहीं खाए। खाने में जो आपकी मेन मील है खाने में और दूध के टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, वैसे ही स्नैक टाइम पे, क्योंकि तब छोटी भूख लगती है तो बच्चा फिर भी भूखा होगा, तो इतना भूखा होना चाहिए कम से कम कि वो पी ले कि भाई मेरी भूख मिट रही है इससे, तो मैं पी लेता हूँ या पी लेती हूँ, वरना बच्चा पिएगा ही नहीं अगर उसका टमी फुल होगा। तो स्नैक टाइम पे कुछ भी खाने की चीज ऑफर करने से पहले आप बच्चे को मिल्क दीजिए कि आप लोग मिल्क पियो। नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी टेंशन मत लेना। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा शुरू शुरू में तो टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होगा कि आप दूध पिलाना शुरू करो 2 ग्लास रोज के पिएगा दूध, नहीं, आप स्टार्ट करो 1/4 ग्लास ऑफ मिल्क से, फिर धीरे धीरे से प्रोग्रेस करो 1/2 ग्लास मिल्क से, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करो 1 ग्लास मिल्क से, और धीरे धीरे आई मीन ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर बच्चे को एडजस्ट होने दो, उसका टेस्ट बनने दो, उसको पीने दो, टेंशन मत लो कैल्शियम कम हो जाएगा, बच्चे का क्या होगा, हड्डियां नहीं बनेगी, और भी बहुत चीजें हैं जिससे बच्चे को कैल्शियम मिल सकता है। आपके पास पनीर है, दही है, मैक्सिमम बच्चों को दही पसंद आता है, ब्रोकली इज अ ग्रेट सोर्स, ब्रोकली का पराठा खिला के देखना बच्चे को बहुत पसंद आएगा। आपके पास मखाने हैं, मखाने भी मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों को पसंद आते हैं, तो कैल्शियम के बहुत और सोर्सेज हैं जो आप बच्चे को खिला सकते हैं एक्सेप्ट मिल्क। ना नंबर 5 पॉइंट, जो इंडियन फैमिलीज में ना, मतलब ये बोलना भी पाप है, इसके बच्चा
मिल्क से एलर्जिक हो सकता है, बच्चा आपका लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है. आई नो अगर किसी ना नॉर्थ इंडियन हाउस, स्पेशली पंजाबी हाउस इन लाइक इस साइड ऑफ द कंट्री में ये बात मैंने बोल दी ना तो जूते पड़ेंगे मुझे, हमारा बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूध दही पनीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट ये एक फैक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंट होती है. तो अगर आप दूध पीते हो और आपको एकदम से पॉटी भागना पड़ता है, इसका मतलब आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, इसका मतलब आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है. तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने मिल्क स्टार्ट किया है एंड बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं, इसका मतलब आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा, प्लीज स्टॉप इमीडिएटली. अगेन जैसे मैंने पहले बोला था, कैल्शियम के और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ब्रोकली होती है एंड बाकी वेजिटेबल्स बहुत सारी और होती है, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. If you want, I'll make a video on it separately. Iron-rich vegetables, calcium-rich vegetables, क्योंकि उसकी भी एक लाइक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास. So let me know in the comment section अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो. So there is a possibility कि आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, which is okay. आजकल सोया मिल्क, almond मिल्क, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं अगर आपको मिल्क फॉर्म में कुछ देना है बच्चे को. So इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. बट हाँ, ये एक फैक्टर है देखने के लिए, क्योंकि नॉट जस्ट द फैक्ट कि उसका पेट खराब रहेगा पूरे टाइम, उसको पिंपल्स भी आएंगे एंड और अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. तो इट इज बेस्ट टू अवॉइड अगर एलर्जी है तो. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा एंड अगर ये हेल्पफुल लगा आपको तो प्लीज अपने मॉमी फ्रेंड से शेयर करो. अगर आप किसी मॉमी ग्रुप में हो तो जरूर उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पाए. एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. बाई.